किसी ई लर्निंग में कैसे आप अपना आईडी क्रिएशन करेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है आईडी क्रिएशन करने के लिए। पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको टाइप करना होगा nbce-elearning.in। ये है हमारा वेब वर्सन का वेबसाइट। तो ये आपको डालने के बाद आपको इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद आपका कंप्यूटर या आपका फोन का स्क्रीन पे सामने ये एक पेज ई लर्निंग का ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, ये एक ई लर्निंग का पेज ओपन हो गया। अभी सबसे पहले आपका खुद का आईडी क्रिएशन करना पड़ेगा। तो हम कैसे आईडी क्रिएशन करेंगे, आज वो ही देखेंगे। आईडी क्रिएशन करने के लिए सबसे हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है लॉगिन दिख रहा है और एक साइन अप दिख रहा है। तो आप लोग को पहले साइन अप पे क्लिक करना होगा। जब भी आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, वो आपको सामने अभी दिख रहा है। वहां पर पहले लिखा है फर्स्ट नेम, पहले आपका फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। जैसे मेरा फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया रजत। इसके बाद सरनेम, जैसे मेरा सरनेम है घोष, मैंने डाल दिया। फिर एक मेल आईडी डालना पड़ेगा, जैसे मेरा मेल आईडी है rajat.nbceindia@gmail.com, मैंने डाल दिया। फिर आता है पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आप कोई भी 8 लेटर का कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा साइन अप वाला जो ऑप्शन है वहां पर। जब साइन अप पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका एक आपका मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा एनबीसी ई लर्निंग के तरफ से। वो मेल नेचुरली आपका इनबॉक्स पे आ सकता है। अगर इनबॉक्स से नहीं आया तो सोशल या प्रमोशन किसी भी एक जगह पर आ सकता है। जैसे मेरा ये प्रमोशन पे आया है, तो मैं पहले देखता हूँ क्या मेल के अंदर में है। तो मैंने मेल ओपन कर दिया, ये देखे एनबीसी की तरफ से वेरीफाई मेल आईडी के ऊपर एक वेरीफाई आया है। इसको आपको वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करके इसको आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना आईडी क्रिएशन हो जाएगा, तब आप जाके लॉगिन कर सकते हो। तो ये सबको समझ में आया कि कैसे साइन अप में जाके एनबीसी लर्निंग में आईडी क्रिएशन होता है। चलिए आप इसको देखिए, इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट पार्ट जो होता है कैसे लॉगिन करेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।